22 अप्रैल को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज ने बैठक की। बैठक में तय किया गया कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पूरा देश 22 अप्रैल को सनातन धर्म के आराध्य भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाएगा। इसी कड़ी में भोपाल में ब्राह्मण समाज ने परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में तय किया गया कि पूरे शहर भर में जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी समाज और वर्ग के लोग शामिल होंगे। भगवान परशुराम सिर्फ सनातन धर्म प्रेमियों के ही आराध्य नहीं, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति के आराध्य हैं। भगवान परशुराम को श्रीहरि विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। इनका महोत्सव हर वर्ष अक्षय तृतीया पर मनाया जाता है। इस बैठक में ब्रह्मश्री के अध्यक्ष श्री शलभ गार्गव, संयोजक पुष्पेंद्र दीक्षित सहित ब्राह्मण समाज के अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित थे। आज ब्रह्मश्री ब्राह्मण समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी स्थान जवाहर चौक पे बैठक की गई है, जिसमें 22 तारीख को परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, जिसमें हमारे सभी विप्र बंधु, ब्राह्मण बंधु यहाँ उपस्थित थे और सभी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए एक दूसरे को बधाई दी। जन्मोत्सव का एक कार्यक्रम शोभा यात्रा से चालू होगा। इसमें सबसे पहले गाड़ियों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें ब्राह्मण बंधु उपस्थित रहेगा। उसके बाद महाआरती का आयोजन कराया जाएगा। जवाहर चौक पर महाआरती की जाएगी, ढोल बाजे और आतिशबाजी का प्रोग्राम होगा। उसके बाद विशाल भंडारा किया जाएगा, जिसमें सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग आएंगे और हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम की जय जयकार करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।